हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावलों से टिक्की। वो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, तो आज हम यही बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किसी बर्तन में हम 2 कटोरी चावल लेंगे और चावल को हमें अच्छे से मैश करना है। यहाँ पर मैं बचे हुए चावल यूज़ कर रही हूँ, मेरा प्रेस नहीं है। और आप फ्रेश चावल यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। उन चावलों को एक बार हम अच्छे से मैश करना है ताकि ये हमें इसकी टिक्की बनानी है तो टिक्की बनाने में आसानी हो। चावल को हम अच्छे से मैश करने के बाद हमें इसमें आधी कटोरी धनिया, हरी धनिया कटी हुई डालनी है। उसके बाद 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 स्पून काला नमक यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाती हैं, इसमें किसी भी चीज़ को हमें स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को डालना है, इसी से एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं 1/2 स्पून नॉर्मल नमक यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मैश कर देंगे। जब सारे चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे तब हमें इसकी टिक्की बनानी है। तो चावलों को अच्छे से मैश करेंगे। हेलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं चावलों को अच्छे से मैश करना है और एक बार उनको थोड़ा सा हाथ में ऐसे नॉर्मल रफ शेप में टिक्की बना के देखेंगे। अगर मेरी अच्छे से टिक्की बन गई है तो मैं चावल मैश हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी सा ज़्यादा मैश हो गया तो ब्रेड क्रम यूज़ करो, और ब्रेड क्रम ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करना। ब्रेड क्रम डालने के बाद चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मैश कर देंगे। हमारी चीज़ें अच्छे से सारी मिक्स हो चुकी हैं, चावल अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हमें इनकी टिक्की बनाना स्टार्ट करना है। तो टिक्की बनाने के पहले हमें हाथों को एक बार अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि यहाँ मैश करने से हाथ में बहुत ज़्यादा राइस आ जाते हैं और इससे हम टिक्की बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो एक बार हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसके दोबारा हम उसकी टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से एक परफेक्ट शेप आए। और चावल को आप देख सकते हो अच्छे मैश हो गए हैं। चलिए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्की बनाने के लिए हम हाथों में कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी टिक्की नहीं बनानी है। अगर आप बिल्कुल छोटी पतली बनाओगे तो वो बिल्कुल क्रिस्प होंगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगी, सिर्फ क्रिस्प होंगी। और आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाओगे तो ये क्रिस्प होंगी और अंदर से बहुत ज़्यादा गुई होंगी। इसके लिए परफेक्ट शेप और साइज चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी तो इसे हमें हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। और जब तक इसे फ्राई करना है जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं होगी, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब इस एकदम रेडी होंगी बनके। और इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं कुक करनी है, ना मीडियम फ्लेम पे। हम सिर्फ हाई फ्लेम पे से कुक करेंगे। अगर हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगी और खाने में बहुत गंदी लगेंगी। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि इसमें कच्चा रहने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे कुक राइस हैं, तो सिर्फ हमें इसे क्रिस्प करना है। तो इसके लिए हम इसे हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो फिर हम इतना ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा स्टार्ट में गर्म ना हो, मीडियम हो। बस हमारी चीज टिक्की को 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार टर्न कर देंगे। उसे फिर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब आप देख सकते हो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 2 से 3 मिनट बाद हमारी टिक्की एकदम बन के रेडी है और इसका कलर भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसे आप टोमेटो केचप के साथ सर्व करिए। मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारी टिक्की बाहर से एकदम क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।